अस्सलाम वालेकुम। आज हम एविडेंस ऑफ एटम्स डिस्कस करेंगे। पहले हमने एटम को डिस्कस किया था, आज ये सेकंड टॉपिक है फर्स्ट ईयर के केमिस्ट्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स का, एविडेंस ऑफ एटम्स। एविडेंस होता है सबूत या प्रूफ, किसी भी चीज़ के एग्जिस्टेंस का प्रूफ क्या है। अब यहाँ पर हमने पहले तो एक हमने फिलोसफिकल कंसेप्ट दिया, कहा कि कोई भी पार्टिकल्स, स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हैं, अगर हम किसी भी सब्सटेंस के, वो एटम्स हैं, और अगर हम किसी सब्सटेंस को डिवाइड करते जाएं तो अल्टीमेटली कुछ ऐसे पार्टिकल्स आ जाएंगे जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकेंगे, तो उन्हें हमने एटम्स का नाम दिया था। तो अब ये वाकई ही एटम्स होते हैं नहीं होते, इनका कोई प्रूफ नहीं दिया था पिछले वाले टॉपिक में। यहाँ पर हम देखेंगे कि एविडेंस क्या है एटम्स के एग्जिस्टेंस का। तो अगर कोई चीज़ ऐसी हो, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि अच्छा यहाँ पर बुक पड़ी है, इसका एविडेंस क्या है, तो उसका सबसे बड़ा जो एविडेंस वो यही है कि हम इसे देख सक रहे हैं। ठीक है, हम कहते हैं केमिस्ट्री की बुक है क्योंकि हम इसे देख सक रहे हैं अपनी आँखों से विजिबल लाइट की प्रेजेंस में, तो इसका सबसे बड़ा एविडेंस तो यही है ना। अगर हम किसी चीज़ को देख लेते हैं तो आमतौर पर हमें उसके लिए किसी और चीज़ के एविडेंस की ज़रूरत रहती नहीं है। लेकिन एटम्स का केस डिफरेंट है, इनको हम विजिबल लाइट में अपनी आँखों से देख तो सकते ही नहीं हैं। तो अब हम लोग क्या करें एटम्स के लिए? तो पहले तो हम ये देखते हैं कि हम लोग एटम्स को देख क्यों नहीं सकते विजिबल लाइट में ना, पहले इस चीज़ पर देख लेते हैं। किसी भी चीज़ को जो देखना होता है ना, उसके लिए ज़रूरी होता है कि वो ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट करे। अगर अब ये पेपर है, ये वाइट कलर का हमें दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये है कि ये साथ के साथ जो कलर्स हैं उनको ये रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अगर ये ई जो लिखा है ये हमें ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, इसका मतलब है कि ये जो ब्लू पोर्शन है विजिबल स्पेक्ट्रम का, ये उसको रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो जो कलर कोई भी चीज़ रिफ्लेक्ट करती है, वो हमें उस कलर का वो चीज़ नज़र आती है। अब जो एटम्स हैं उनके साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो इतने ज़्यादा छोटे हैं कि जब विजिबल लाइट उन पर फॉल करे तो वो उनको स्ट्राइक नहीं कर सकती, उसकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है विजिबल लाइट की। तो एटम का साइज़ बहुत ही कम होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर थोड़ा कंपैरिजन के लिए देखें तो ये अगर इसको हम एटम कहें और ये विजिबल लाइट की अगर हम वेवलेंथ ड्रॉ करें तो ये इतनी ज़्यादा उसकी वेवलेंथ है। ठीक है, तो अगर इतना छोटा सा ये एटम है, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट हम चाहते हैं कि वो विजिबल लाइट में नज़र आए तो कम से कम इतना होना चाहिए। तो बुक में यहाँ पर बताया गया है कि विजिबल लाइट से अगर हम किसी चीज़ को देखना चाहते हैं तो कम से कम उसका साइज़ 500 नैनोमीटर तक होना चाहिए, क्योंकि विजिबल लाइट की जो मिनिमम वेवलेंथ है वो है 400 नैनोमीटर। ये विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज हमने पढ़ी हुई है 400 टू 700 नैनोमीटर। तो 400 नैनोमीटर की अगर वेवलेंथ है तो उसके लिए ऑब्जेक्ट का कम से कम 500 नैनोमीटर का होना ज़रूरी है ताकि हम उसको देख सकें विजिबल लाइट में। ठीक हो गया, अब हम देखते हैं कि विजिबल लाइट में तो हम एटम्स को देख सकते नहीं, क्योंकि विजिबल लाइट को एटम्स रिफ्लेक्ट ही नहीं कर सकते, वो तो इस तरह से गुजर जाएगी ना, तो जब स्ट्राइक ही नहीं कर पाएगी तो वो रिफ्लेक्ट कैसे कर सकेगा एटम उसको। तो इसके लिए हमें कुछ और तरीका ढूंढना होगा एटम्स को देखने के लिए। तो उसके लिए हमारे पास तरीका है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तरीका। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का तरीका ही क्यों है? हम लोग ने यूवी लाइट के बारे में सुना हुआ है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स, कुछ चीज़ें जो हम लोग विजिबल लाइट में नहीं देख सकते वो यूवी में नज़र आ जाती हैं। उसकी क्या वजह है? कि जो यूवी की वेवलेंथ है ना, अगर ये विजिबल की वेवलेंथ है तो यूवी की वेवलेंथ विजिबल की निस्बत कम है। तो कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो विजिबल में तो नज़र नहीं आ रहे लेकिन यूवी की वेवलेंथ कम होने की वजह से उसमें नज़र आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट यूवी लाइट को रिफ्लेक्ट करने के काबिल होंगे। लेकिन एटम्स का केस क्या है? वो इतने छोटे हैं कि यूवी में भी वो दिखाई नहीं देते। यूवी की भी कोई बहुत ज़्यादा कम रेंज नहीं है, ऑल्दो विजिबल से तो ये कम है इसकी वेवलेंथ, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं है।
तो इसलिए हम यूवी भी लाइट यूज़ नहीं कर सकते एटम्स को देखने के लिए। तो अब इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉल कराते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करते हैं तो उनकी जो वेवलेंथ है ना बहुत ही छोटी होती है। ये भी यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए तो हम लोग ड्रॉ ही नहीं कर सकते, उतनी उनकी छोटी वेवलेंथ होती है। वैसे भी ये तो कोई भी जो वेवलेंथ हमने ड्रॉ किया वो एक्यूरेटली तो ड्रॉ नहीं किया, मतलब ये सिर्फ एक आइडिया और एक कंपैरिजन है कि ज़्यादा वेवलेंथ किया है कम वेवलेंथ किया है, उस लिए अदरवाइज़ हम लोगों के लिए इतना एक्यूरेट स्केल पे तो नहीं यहाँ पर ड्रॉ कर सकते, क्योंकि इतने कम नैनोमीटर्स के माइक्रोवेव जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ इतनी कम नैनोमीटर, इतनी कम रेंज में जाएगी कि उसके उसको तो हम देख भी नहीं पाएंगे। तो इस वजह से उसे हम ड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए, कंपैरिजन के लिए हम ये सपोज कर लेते हैं कि ये है इलेक्ट्रॉन्स की वेवलेंथ। ये बराबर होता है, तो ये सपोज कर लिए कि ये है एटम। अब जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करेंगे तो एटम उनको रिफ्लेक्ट करने के काबिल होगा, ठीक है, तो इस वजह से वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम उसको देख सकेंगे। तो यहाँ पर भी यही बात बताई है बुक में कि जो हमारे पास ऑप्टिकल लाइट होती है, ऑर्डनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, ये वो वाली माइक्रोस्कोप होती है जिसमें विजिबल लाइट यूज़ करते हैं, तो वो 500 नैनोमीटर तक के ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकती है। तो लेकिन जो ऑब्जेक्ट्स एटम जितने हैं वो उसे हम नहीं देख सकते, उनके लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें हम इलेक्ट्रॉन की बीम यूज़ करते हैं विजिबल लाइट की बजाय। उसकी रीज़न यही है कि वेवलेंथ जो है इलेक्ट्रॉन जब ट्रेवल करते हैं उनकी बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। यहाँ पर फिर एक इमेज दिखाया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही ये इमेज लिया गया है, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ग्रेफाइट को दिखाया है। तो इसमें ये जो ब्राइट वाली लाइन्स हैं ये शो कर रही हैं कार्बन एटम्स को, ठीक है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए यहाँ पर हमें इसे यहाँ से भी आइडिया हो रहा है। तो उसके अलावा एक इम्पोर्टेंट बात बताई हुई है कि जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो 15 मिलियन टाइम्स किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर सकती है। 15 मिलियन टाइम्स, 15 मिलियन टाइम्स का मतलब है 1 करोड़ और 50 लाख टाइम्स। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 इंच का है, अगेन ये भी हम सपोज कर रहे हैं क्योंकि 1 इंच के ऑब्जेक्ट को हम डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से तो नहीं ना देखेंगे, उसको तो हम विजिबल लाइट में देख सकते हैं, लेकिन जस्ट सपोज करने के लिए अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 इंच का है, क्योंकि इंच का हमें आइडिया हो सकता है, हम मेयर कर सकते हैं कि इंच कितना है। अब नैनोमीटर की बात करें तो हमारे लिए इमेजिन करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, इसलिए इंच की बात करें। अगर कोई ऑब्जेक्ट 1 इंच का, यानी इतना इतना छोटा सा होगा, तकरीबन इतना सा होगा, ठीक है, इस लाइन के जितना होगा ऑलमोस्ट, तो उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो उसका जो साइज़ हमें नज़र आएगा वो 1 करोड़ और 50 लाख इंच होगा, ठीक हो गया। अब आ जाते हैं हम एटम्स के डायामीटर और उनकी मास की रेंज पर। डायामीटर भी अब डेफिनेटली इतने छोटे छोटे एटम्स हैं तो हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि हम जैसे एक सर्कल है उसका डायामीटर मेजर कर लेते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट से, कोई भी स्केल बड़ा सा लेकर हम मेजरिंग स्केल लेकर उसे मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एटम के लेवल का तो हमारे पास कोई स्केल भी नहीं होगा ना, तो उसके लिए हम इस तरह कोई फिजिकल मेथड तो हम यूज़ नहीं कर सकते कि अच्छा यहाँ से पकड़ा एटम को और यहाँ तक देख लिया कि कितना इसका साइज़ बढ़ रहा है बन रहा है, तो उस तरह से हम इसका डायमीटर मेजर नहीं कर सकते। उसके लिए फिर हम एक्सरेज यूज़ करते हैं। एक्सरेज जो है ना ये भी बहुत ही कम वेवलेंथ की रेडिएशन होती हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनकी एनर्जी होती है और काफ़ी कम वेवलेंथ होती है, तो इसलिए ये भी एटम्स को डिटेक्ट कर सकती हैं। तो एक्सरे डायफ्रेक्शन एक पूरी टेक्निक है, उसकी डिटेल में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन जितना बुक में बताया हुआ है बस ये है कि एक्सरेज के थ्रू जब डायामीटर फाइंड किया गया एटम्स का तो वो था 2 × 10 की पावर -10 मीटर,
या तो फिर 2 × 0.2 नैनोमीटर। इसमें से आप किसी एक को याद कर लें, दूसरे में हम कन्वर्ट कर सकते हैं आराम से। बस 0.2 अगर नैनोमीटर है तो नैनो की पावर पावर जो वैल्यू है हमें पता होती है 0.2 × 10⁻¹⁹ मीटर। जो सिर्फ एन की वैल्यू पुट कर दी, नैनो जो होता है बराबर 10⁻¹⁹ के। ठीक है, तो इसको 0.2 को हम 2 × 10⁻¹⁰ भी लिख सकते हैं अगर हम पॉइंट को जैसे राइट साइड पे शिफ्ट करें। ठीक है, तो रूल्स के अकॉर्डिंग जब शिफ्ट करते हैं तो फिर इसको ये वैल्यूज़ भी लिख सकते हैं। तो 0.2 नैनोमीटर लिख दें, 0.2 × 10⁻¹⁹ मीटर लिख दें, या 2 × 10⁻¹⁰ मीटर लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो मास है वो है 10⁻²⁷ से लेकर −25 kg तक। ये इतनी ज़्यादा रेंज मास में दी गई है, तो इसका मतलब ये है कि एटम कोई एक तो है नहीं, इतने ज़्यादा एटम्स हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, डिफरेंट कंपाउंड्स के डिफरेंट एटम्स हैं, तो उनका इसको एक मास तो हम उन्हें असाइन भी नहीं कर सकते ना। फिर तो एक रेंज है, इस रेंज में आमतौर पर एटम्स का मास आएगा, 10 × 10⁻²⁷ से लेकर 10⁻²⁵ kg तक। अब ये माइनस में पावर में लिखने की वजह ये होती है कि अब अगर हम इसको नॉर्मल वे में लिखना चाहें तो ये होगा 0.00000026 × 0 और फिर 1 kg। तो इतने बड़े बड़े मतलब इतने ज़्यादा ज़्यादा जीरोज़ वाले नंबर्स तो हम टेक्स्ट बुक्स में लिखने लगे, फिर तो प्रॉब्लम होता है। इस वजह से फिर हम उनका इस फॉर्म में लिख देते हैं कि पावर के फॉर्म में लिख देते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर आ जाते हैं एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट के बारे में डिटेल भी है आगे इस बुक में, तो उसकी डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर सिर्फ ये याद रखना है कि एक एटॉमिक मास यूनिट केजी में कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻²⁷ kg। तो अब यहाँ पर जैसे हम लोग डिफरेंट चीज़ों के मेयर करने के लिए डिफरेंट चीज़ें यूज़ करते हैं ना, जैसे अगर हमने वॉल्यूम मेयर करना है तो लीटर यूज़ कर लिया, तो यहाँ पर है तो मैस ही, उसको हम केजी में भी मेयर कर सकते थे एटम्स के लिए। तो लेकिन ये एक ख़ास यूनिट उनके लिए डिफ़ाइन किया गया, एटॉमिक मास यूनिट। तो उसकी क्या रीज़न है, क्यों किया, इसकी डिटेल इंशाल्लाह आगे देखेंगे। लेकिन ये एटॉमिक मास यूनिट है जिसमें अब मेयर किया जाता है मास एटम्स का। ठीक है, तो उसका केजी के साथ रिलेशन इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना है, 1.66 × 10⁻²⁷ kg। बुक में सिर्फ यही बताया हुआ है केजी के साथ क्या रिलेशन है, वैसे ग्राम के साथ भी बता सकते हैं, क्योंकि किलो की वैल्यू 10³ होती है, तो अगर हम यहाँ पे −27 + 3 कर दें तो −24 आंसर आ जाता है, तो ग्राम में भी इसका आंसर पता चल जाता है। फिर एटम के साइज़ का थोड़ा सा आइडिया देने के लिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बुक में बताई हुई है कि एक जो फुल स्टॉप है ना, उसके अंदर 2 मिलियन होते हैं एटम्स। फुल स्टॉप यहाँ पर हम एक लगा के देख लेते हैं, इतना छोटा सा फुल स्टॉप जिसको हमें इस फुल स्टॉप को देखने के लिए भी, एक सेकेंड, समटाइम अगर आई साइट वीक हो तो ये इस फुल स्टॉप को देखना भी मुश्किल हो जाता है, या लाइट सफिशेंट ना हो। तो फिर एक ये फुल स्टॉप जिसके अंदर 2 मिलियन, 2 मिलियन का मतलब है 20 लाख, 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, तो यानी इस फुल स्टॉप के अंदर 20 लाख एटम्स हैं। तो अगर इस फुल स्टॉप को देखना मुश्किल हो रहा है विजिबल लाइट में, तो इन एटम्स को देखना तो नामुमकिन नहीं होगा ना, जाहिर सी बात है विजिबल लाइट में। तो इस वजह से फिर हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन्स की बीम यूज़ करके उन्हें उसका एविडेंस कलेक्ट किया, एटम्स के एग्जिस्टेंस का। क्या फिर आज के लेक्चर में बस एविडेंस ऑफ एटम्स, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह हम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।